तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि FI और EFI में क्या अंतर होता है, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेटर होगा लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको EFI के बारे में बता दूँ, इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर जिसको बोलते हैं। ये हमारी पल्सर 125 और प्लाटीना CT100 जैसे बाइकों में लगा होता है। तो हम सबसे पहले FI के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं अपने स्क्रीन के सामने, यहाँ पर है फ्यूल इंजेक्शन। तो बेसिकली मैं इसके कुछ फ़ायदे के बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका माइलेज आपको काफ़ी बेटर मिल जाता है EFI के मुकाबले, कार्बोरेटर के मुकाबले। तो इसको वर्क कराने के लिए बेसिकली कुछ सेंसर हमारे बाइक में लगा होता है, जैसे कि TPS सेंसर या ऐसे बहुत सेंसर लगे होते हैं इसको वर्क कराने के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसके आगे छोटा छोटे होल दिए हुए हैं, इसी के ज़रिए हमारे फ्यूल को बाइक के हेड में भेजता है। यहीं पर मैं बात कर लूँ, इसको वर्क कराने के लिए यहाँ पर हमें 12 बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहीं पर इसमें हमें फ्यूल को भेजने के लिए एक हाई प्रेशर फ्यूल चाहिए होता है, जिसके लिए हमारे बाइकों में फ्यूल पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि फ्यूल पंप से इसमें काफ़ी हाई प्रेशर से इसमें फ्यूल भेजता है। एंड यहाँ पर हमारे फ्यूल इंजेक्शन में मैग्नेटिक वाल्व लगे होते हैं, जब वहाँ पे हमारा करंट का सप्लाई आता है तो वो मैग्नेटिक वाल्व खुल जाता है, जिससे कि हमारे बाइक में हेड में सप्लाई फ्यूल का दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखाकर समझाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ही फ्यूल पंप है। एंड यहाँ पे हमारे ये जो आप लोग ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा फ्यूल गेज को बताता है। एंड यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारा फ्यूल पंप टाइट होता है, तो ये हमारे फ्यूल इंजेक्शन को सप्लाई देता है फ्यूल का, जिससे ये वर्क करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूल इंजेक्शन का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा होता है कार्बोरेटर के मुकाबले, क्योंकि इसमें काफ़ी सेंसर लगे होते हैं और यहाँ पर हमारा फ्यूल पंप लगा होता है, जिससे कि प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। नहीं पर मैं इसका डिसएडवांटेज भी होता है, इसमें आपको हमेशा 1-2 लीटर फ्यूल रिजर्व करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये हमारा ज़्यादा ही बार बार सूखे में चलेगा तो ये हमारा जल सकता है फ्यूल पंप, जिसका प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं कुछ है अपने हिसाब से इसका प्राइसिंग आप लोगों को बता सकता हूँ, जिस कम से कम इसका प्राइस आपको 7 से 10 हज़ार रुपये इस पंप का पड़ने वाला है। तो यही सब झंझट हमारे इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूल इंजेक्शन ख़राब है। फ्यूल इंजेक्शन से आपको काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग मिल जाता है, नहीं पर आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा ये देता है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो बाइक कम आपको तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा, अपने बाइक में आपको उतना फ्यूल रखना ही पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर दिखा के आपको समझाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर, जो कि हमारे पल्सर प्लाटीना CT100 जैसे हमारे ये बजाज के बाइकों में लगा होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें आपको पेट्रोल टी मिल जाता है टैंक के पास, जिससे आप इस बाइक के फ्यूल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि इसमें आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिल जाता है फ्यूल इंजेक्शन के मुकाबले। अब मुझे पता है, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि बजाज प्लाटीना में तो भाई काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। तो मैं यहीं पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्लाटीना का जो इंजन है उसका बनावट और डिजाइन कुछ अलग है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा फ्यूल इंजेक्शन के मुकाबले, क्योंकि इसमें मेन जेट लगा होता है, जिसमें उतना ही फ्यूल आता है जितना उसमें सेट किया गया है। इसमें सेंसर बेसिकली इसको वर्क कराने के लिए सेंसर नहीं लगा होता, क्योंकि ये अपना मैनुअली है, तो ये अपने एक के हिसाब से इसमें फ्यूल को छिड़काव करता रहता है। तो इसी सब के वजह से इसमें माइलेज थोड़ा सा आपको कम मिल जाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है आपको फ्यूल वाला, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं करना पड़ता, आप इसमें कम फ्यूल में भी आराम को इसको ड्राइव कीजिए। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होता है FI के मुकाबले। इसको आप कहीं भी लोकल मैकेनिक के पास इसको आप दिखा के इसको आप रिपेयर करा सकते हैं। और वहीं पर बात करें इसका कुछ है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इसका ऐसा बनावट होता है, ये अलग अलग बाइकों के हिसाब से अलग अलग इसका शेप होता है। तो बेसिकली यही कुछ डिफरेंट है इन दोनों के मुकाबले। जैसा कि आपको मैंने बताया, FI हमारा फ्यूल इंजेक्शन, जिसको वर्क कराने के लिए फ्यूल पंप लगा होता है, और इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर में ये हमारे फ्यूल पंप जैसा कोई भी झंझट नहीं होता। वो हमारा जैसे हमारे BS4 के कार्बोरेटर आते थे, वैसे ही हमारा अब का ये इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर आता है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है पॉल्यूशन को कम करने की वजह से। और अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा किसको लेना चाहिए। अगर आपको एक बेहतर माइलेज के साथ बेहतर स्टार्टिंग वाली बाइक चाहिए तो आप लोग FI की ओर जा सकते हैं। वहीं पर मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जिसके पास से उतना पैसा नहीं होता, वो लोग फ्यूल को ज़्यादा अच्छे से नहीं मेंटेन कर सकते, वो लोग डेफिनेटली इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर की ओर जा सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प बना हुआ है, जो कि बजाज ने ये काफ़ी अच्छा काम किया।